गुड मॉर्निंग बच्चों, इन दिस टॉपिक और इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ऑर्थ्रोपोडा। नाउ व्हाट डज इट मीन फाइलम ऑर्थ्रोपोडा? ऑर्थ्रो मीन्स होता है बेटा जॉइंट्स, और पोडा मीन्स होते हैं लेग्स, मीन्स देयर लेग्स आर हैविंग जॉइंट्स। लेग्स के अंदर क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। किस तरह से जॉइंट्स होते हैं बेटा? इनके लेग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स विच हैव द जॉइंट्स लाइक दिस, इस तरह से। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द जॉइंटेड लेग्स, ऑल दोज एनिमल विच हैव द जॉइंटेड लेग्स दे आर प्लेस्ड इन द ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रो की स्पेलिंग ARTHRO, यूजुअली बच्चे ऑर्थोपोडा करते हैं ARTHO, बट इट इज ऑर्थ्रोपोडा। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट आर इट्स जनरल फीचर। जनरल फीचर्स में बेटा जब भी कभी एग्जाम में अगर आता है कि व्हाट आर द यूनिक फीचर या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर फाइलम, तो यू डोंट हैव टू राइट ओनली जनरल फीचर, यू हैव टू राइट डाउन द जनरल फीचर अलॉन्ग विद द यूनिक फीचर। और अगर सपोज क्वेश्चन केवल 2 मार्क्स का ही आता है ना, और उसके अंदर आपको जनरल फीचर आप लिख दो और 1 या 2 आप यूनिक फीचर लिखो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मीन्स जब आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तो अगर 3 मार्क्स का है तो यू हैव टू राइट डाउन द जनरल फीचर अलॉन्ग विद द यूनिक फीचर। बट इफ़ इट इज़ ऑफ 2 मार्क और 1 मार्क, देन यू हैव टू राइट ओनली द यूनिक फीचर ऑफ द पर्टिकुलर फाइलम। उस फाइलम का आपको केवल कौन से वाले फीचर लिखने होते हैं बेटा? यूनिक फीचर्स लिखने होते हैं, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट कॉमन है। जैसे हम कह दें बाइलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, ये तो एनलीडा भी शो कर रही है बेटा, ये तो मोलस्का भी शो करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह दूँ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो दिस तो शोन बाय द एस्केलमेंथीज ऑल्सो, एनलीडा ऑल्सो, मोलस्का ऑल्सो, काइनोडर्मेटा, सारे वर्टिब्रेट्स। तो इसलिए ये फीचर्स हम लोग यूनिक फीचर्स में नहीं मेंशन करते। अगर 1 मार्क्स का आता है तो यू हैव टू राइट डाउन द यूनिक फीचर्स, 2 मार्क्स का है तो वन ऑफ द फीचर विल बी द जनरल एंड देन रेस्ट ऑफ द फीचर विल बी द यूनिक। ओके, नाउ व्हाट आर द जनरल फीचर मीन्स व्हाट इज द हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स द प्लेस वेयर दे लिव। तो यूजुअली ऑर्थोपोडा जो बेटा है, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, इसलिए ये एनिमल्स दे में प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ। दे आर प्रेजेंट इन द वाटर ऑल्सो, वाटर में भी दे आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज द मेराइन। दे आर टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ पे भी रहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द आर्बोरियल, आर्बोरियल का मीनिंग होता है ट्री ड्वेलिंग। जैसे आपने बहुत सारे इंसेक्ट्स देखी होंगी जो ट्री पर प्रेजेंट होती है, हम सिल्क मॉथ कहते हैं, वो ट्री पर होती है, तो दैट इज आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब रहने वाली। फसोरियल, फसोरियल मीन्स विच फॉर्म बरो, जो बरो बना के रहते हैं उसे फसोरियल कहा जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेचुरली सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द यूनिक फीचर्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन द ऑर्थ्रोपोडा। नाउ द फर्स्ट यूनिक फीचर दैट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, मीन्स द 2/3 ऑफ ऑल द एनिमल्स, यानी अगर टोटल एनिमल्स हैं तो उसके 2/3 पार्ट, ठीक है, वो एनिमल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, वो जो अर्थ पर प्रेजेंट है वो सारे क्या हैं बेटा? ऑर्थोपोडा है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 इंसेक्ट्स हैं तो आउट ऑफ द 10 इंसेक्ट्स 7 इंसेक्ट ऑलमोस्ट हमारे पास क्या रहेंगे बेटा? ऑर्थोपोडा रहेंगे। यानी हम ये कहें कि आपके 10 इंसेक्ट्स में से 7 इंसेक्ट्स ऑर्थोपोडा है। यानी और अगर हम इनकी पॉपुलेशन वाइज लेके जाए कि नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑर्थ्रोपोडा, ये तो हम ले रहे हैं स्पीशीज, ये तो हम क्या ले रहे हैं स्पीशीज़, कि इतनी सारी स्पीशीज़ है, सारी स्पीशीज़ जितनी भी अर्थ पर नेम्ड हैं
उनमें से 2/3 स्पीशीज किसकी है बेटा? ऑर्थोपोडा की। अगर हम पॉपुलेशन वाइज लें तो 99% ऑर्गेनिज्म ऑर्थोपोडा के होंगे, ये सातवां। जैसे आपको मैम 99% कैसे ह्यूमन बीइंग की तो कितनी सारी पॉपुलेशन है। तो बेटा आप लोग देखते हो कि इन योर हाउस यू आर लिविंग 4 मेंबर, 5 मेंबर, मैक्सिमम 6 मेंबर, ग्रैंड पेरेंट्स को भी मिला लें तो 6 मेंबर्स की आपकी फैमिली है। मैक्सिमम आई एम टॉकिंग 6 मेंबर की फैमिली है, उसमें कितने सारी एंट्स होंगी, चीटियाँ होंगी बेटा, सो मैनी मॉस्किटोज है ना, कॉकरोचेस एंड द अदर स्मॉल इंसेक्ट्स। तो उनका नंबर हरदम आपके नंबर को से ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट इज द ऑर्थ्रो। ऑर्थ्रो एज आई टोल्ड यू जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। बेटा ऐसा माना जाता है कि दीज आर द ऑर्थोपोडा जो एंशियंट टाइम से और अभी तक प्रेजेंट है, यानी एंशियंट टाइम में व्हेन ह्यूमन बीइंग इवॉल्व नहीं हुए थे एट दैट टाइम ऑर्थोपोडा वाज देयर एंड स्टिल ऑर्थोपोडा इज हेयर। यानी मोस्ट सक्सेसफुल स्पीशीज ऑन दिस अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी द ऑर्थ्रोपोडा। तो इनका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का। अब काइटिन से आपको एक चीज़ का नाम याद आया होगा बेटा, हम लोगों ने जब फंजाई पढ़ी थी तो फंजाई की सेल वॉल भी किसकी बताई थी बेटा? काइटिन की, है ना। तो आपको इस तरह से रिमेम्बर करते रहना चाहिए और कंपेयर करते रहना चाहिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनके अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन दे आर हैविंग। सम ऑफ द इंसेक्ट्स और सम ऑफ द ऑर्थोपोड हैव ट्रेकिया, सम ऑफ देम हैव गिल्स, सम ऑफ देम बुक गिल्स, बुक लंग्स। ऑल दीज व्हाट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर दे आर आई विल जस्ट सेंड अ पिक ऑफ देम, ओके। इनके पिक्चर्स मैं आपके पास सेंड करूँगी सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई विच इज द ट्रेकिया, विच वन इज द गिल्स, बुक गिल्स या बुक लंग्स, किस तरह के अपीयर होते हैं। दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसे होता है बेटा? ओपन मीन्स द ब्लड फ्लो डज नॉट मीन्स फ्लो इन द वेसल्स बट दे कम इन द ओपन कैविटी। और वो ओपन कैविटी क्या कहलाती है बेटा? दोज ओपन कैविटी आर कॉल्ड एज साइनस। क्या कहलाती है बेटा? साइनसिस। तो उसके अंदर द साइनस इज लाइक दिस, कप की तरह होगा जिसके अंदर द ऑर्गन्स आर बाथ, कि वो उसके अंदर डिप रहते हैं। मेलपीजियन टिब्यूल। मेलपीजियन टिब्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ऑर्थ्रोपोडा। तो मेलपीजियन टिब्यूल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द ऑर्थ्रोपोडा। इसकी लोकेशन कहाँ है बेटा? तो द लोकेशन इज बिटवीन द मिडगट एंड द हाइंडगट। जहाँ पे मिडगट, जैसे सपोज मैं ये बना रही हूँ, ये मिडगट पोर्शन हो गया और उसके बाद में यहाँ पे ये हाइंडगट स्टार्ट हुआ। हाइंड मतलब पीछे वाली। इधर स्मॉल फिंगर लाइक, स्मॉल थ्रेड लाइक, नॉट फिंगर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर देयर विच आर अराउंड 100 इन नंबर एंड दीज आर द मेलपीजियन टिब्यूल। ये क्या है बेटा? मेलपीजियन टिब्यूल। तो दिस मेलपीजियन टिब्यूल आर लाइक दिस बिटवीन द हाइंडगट, मिडगट एंड हाइंडगट। हाइंड मतलब पीछे की, गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। नाउ वी कम ऑन टू दैट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्थोपोडा। या फर्स्ट वी टेक द व्हाट आर देयर माउथ पार्ट्स। तो एज द ऑर्थोपोडा आर ऑफ डिफरेंट टाइप, तो दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग, डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग, सो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अबाउट दोज एग्जाम्पल विच वी आर नोइंग। कॉकरोच। कॉकरोच हैव बाइटिंग एंड च्यूविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, दे बाइट एंड च्यू देम। मॉस्किटो हैव द पियर्सिंग। पियर्सिंग मतलब कि ऐसे पियर्स करना, यानी किसी में गड्ढा करना, एंड सकिंग, और फिर उसको ब्लड को क्या करते हैं बेटा? सक करते हैं। तो पहले हमारे इंजेक्ट करते हैं, वो पियर्सिंग हुआ, देन दे सक। तो पियर्सिंग एंड सकिंग ऑर्गन टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज प्रेजेंट इन मॉस्किटो। नेक्स्ट हाउस फ्लाई। यू ऑल नो हाउस फ्लाई व्हेन सिट ऑन द फूड इट जस्ट एब्जॉर्ब द फूड,
बाय रिलीज द डाइजेस्टिव जूसेस. तो दैट इज द स्पॉन्जिंग टाइप. स्पॉन्जिंग मतलब जैसे स्पॉन्ज एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे हाउस फ्लाई भी एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड को. बटरफ्लाई आर हैविंग द लैपिंग टाइप. दे टेक द नेक्टर्स एंड दे ऑल्सो हैव द साइफनिंग टाइप. साइफनिंग मतलब कि दे जस्ट साइफन की तरह, एक सकिंग होती है बेटा, एक साइफनिंग होती है. साइफन में क्या होता है, इफ़ यू जस्ट पुट इट इन द वाटर विल लेवल विल राइजेज अप, यू नॉट नीड टू सक. तो दैट इज द साइफनिंग टाइप. एफिड्स आर ऑल्सो हैविंग द साइफनिंग टाइप और द सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. अगर हम ऑर्थोपोडा की बॉडी को लें तो द बॉडी इज डिवाइडेड इन टू हेड, थॉरिक्स एंड एबडोमन. हेड, थॉरिक्स एंड एबडोमन, यानी तीन सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड होती है. अब हेड रीजन जो होता है वो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन है. उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होंगे, तो दे हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज. बट ये कंपाउंड आइज जो है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑर्थोपोडा. ओके, अब वॉट इज दिस कंपाउंड आई. हम कहते हैं ना कि हमारी आई के अंदर एक लेंस प्रेजेंट होता है, सिंगल लेंस. इनके कंपाउंड आइज को अगर मैं सेक्शन कट करूं तो दे अपीयर लाइक दिस. स्मॉल स्मॉल स्क्वायर लाइक दिस एंड ईच स्क्वायर इज अ लेंस. हर स्क्वायर एक लेंस है. मैं इस एक स्क्वायर का, इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करती हूं तो ये डायग्राम इस तरह से आता है. This is the lens. This is a single ओमिटीडियम. इसको ये एक आई का, कंपाउंड आई का ये एक सिंगल क्या है बेटा, ओमिटीडियम. तो देयर आर वेरी 100 to 200 ओमिटीडिया आर प्रेजेंट इन अ सिंगल आई. एक आई में 200 तक ओमिटीडिया प्रेजेंट होते हैं. ऐसे से मतलब हम कहते हैं 200 आईज हैं एक आई के अंदर. तो उसकी वजह से दे कैन सी, जैसे क्या कर सकते हैं, यूजुअली ये जो कंपाउंड आईज होती हैं दे आर मेनली फॉर द परसेप्शन इन द डिम लाइट. कौन सी लाइट में ज़्यादा अच्छा देखती हैं बेटा, डिम लाइट विजन में देखती हैं. ठीक है, तो उसके लिए सिंपली अगर जरा सा भी मूवमेंट है, क्योंकि हर आई एक अपना अलग पिक्चर बना रही है, तो जैसे अगर सपोज जरा सा भी मूवमेंट करते हैं तो दैट मूवमेंट इज डिटेक्टेड बाय ईच ओमिटीडिया. उस तरफ का ओमिटीडिया उसको डिटेक्ट कर लेते हैं एंड दे कम टू नो दैट देयर इज सर्टेन मूवमेंट. इसीलिए अगर आप मक्खी को मारने जाते हो तो वो उड़ जाती है ना बेटा, ऊपर से भी हाथ ले जाते हो तो भी वो उड़ जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आइज. दे हैव अ पेयर ऑफ एंटीने. उनके एक पेयर एंटीना प्रेजेंट होता है हेड रीजन पर लाइक दिस. और ये एंटीना आर मेनली फॉर द स्मेल, ऑल्फैक्ट्री के लिए होते हैं. ऑल्फेक्शन, ऑल्फेक्शन मतलब स्मेल. जहाँ पे एंटीना प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर ही एक स्मॉल ऑर्गन प्रेजेंट होता है एंड दैट इज कॉल्ड ए स्टेटोसिस्ट. स्टेटोसिस्ट जो होता है बेटा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग. तो स्टेटोसिस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द हेड रीजन. पेयर ऑफ सिंपल आई इज ऑल्सो देयर. आई सिंपल आई फॉर द परसेप्शन इन द ब्राइट लाइट एंड कंपाउंड आईज इज फॉर परसेप्शन इन द डिम लाइट. ओके, तो दीज आर द पार्ट विच आर प्रेजेंट ऑन द हेड रीजन. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द थॉरिक्स. थॉरिक्स रीजन जो होते हैं बेटा वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स. प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स. सम ऑफ द इंसेक्ट विच आर हैविंग द थ्री पेयर ऑफ लेग्स, जिनके सिक्स लेग्स होते हैं, ईच पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट ऑफ द थोरेसिक सेगमेंट. हर थोरेसिक सेगमेंट पर एक पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होते हैं इफ दे आर हैविंग सिक्स पेयर ऑफ लेग्स. एंड सम ऑफ द इंसेक्ट्स आर हैविंग विंग्स. तो विंग्स जो प्रेजेंट होंगे, द विंग्स विल बी प्रेजेंट ऑन मीजोथोरिक्स एज वेल एज द मेटा
थॉरेक्स, दोनों मेटाथॉरेक्स और मीजोथॉरेक्स पर विंग्स प्रेजेंट होंगे और थ्री पेयर ऑफ लेग्स है, तो ईच पेयर ऑफ लेग्स इज प्रेजेंट इन ईच थॉरेसिक रीजन। एक पेयर प्रोथॉरेक्स में मिलेंगे, एक पेयर मीजो में, एक पेयर मेटाथॉरेक्स में। नाउ द ऑर्थोपोडा आर मोस्टली डायशियस। डायशियस मीन्स द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है बेटा, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, एंड मोस्टली दे आर ओवीपेरस। ओवीपेरस का मीनिंग होता है दोज हु ले एग्स, तो एगलिंग। बट डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट का, तो बेटा कॉकरोच, कॉकरोच के जो एग्स होते हैं उसमें से स्मॉल कॉकरोच निकलते हैं विच आर कॉल्ड एज निम्फ। निम्फ आर सिमिलर टू द एडल्ट, ओनली दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे डज नॉट हैव विंग्स। बस यही डिफरेंस रहता है। और ये निम्फ जो है दे मोल्ट। When we will do the study of cockroach, then I will tell you what is molting. ये molt करते हैं और molting करने के 6 to 11 times molt करते हैं और ultimately they converted into the adult. That we will study later on. अगर हम लेते हैं बेटा जैसे butterfly, butterfly lays eggs. Butterfly में से क्या निकलता है बेटा? Larva. आपको सबको पता है लार्वा वोरेशियस फीडर होता है, यानी बहुत ज़्यादा खाता है। और फिर लार्वा डेवलप हो जाता है कोकून में, कोकून, और कोकून से डेवलप होता है एडल्ट। तो दिस इज द इनडायरेक्ट मोड ऑफ डेवलपमेंट एंड दिस इज द डायरेक्ट डेवलपमेंट। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द ऑर्थोपोडा। नाउ वी कम ऑन टू द some of the examples of the orthopoda. तो पहले हम examples लेंगे those which are economically important to us, जिन जो हमारे लिए important है, those who are used for the human welfare, human welfare के लिए use किया जाता है। तो apis आप लोगों ने 9th class में पढ़ा है बेटा, apis mellifera honey bee। और इससे हमें क्या मिलता है बेटा? हनी मिलता है और बी वैक्स, एंड दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन। दे आर वेरी गुड पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये दे कैरिड आउट द पॉलिनेशन, तो दिस इज दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सेकंड इज द बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मोराई, दैट इज द नेम ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ इज द कॉमन नेम ऑफ द बॉम्बिक्स मोराई, एंड फ्रॉम दिस जब इसके कोकून बन जाते हैं तो कोकून स्टेज से वी कैन कलेक्ट द सिल्क थ्रेड। हमें क्या मिलती है बेटा? इससे सिल्क थ्रेड मिलती है। लैकीफेरा, लैक्सीफेरा दैट इज अ लैक इंसेक्ट। अब लैक इंसेक्ट क्या है बेटा? हिंदी में अगर अपन कहते हैं तो लाख, ये लाख हो, लैक वाला नहीं है लेके एच, दिस इज द लाख, जिसके यूजुअली आपने देखा होगा कि कई लेडीज कड़े पहनती हैं, वो लाख के होते हैं। अभी तो सब बच्चों ने महाभारत भी देखी होगी, जिसमें महाभारत में दुर्योधन युधिष्ठिर और उसके सारे भाइयों को लाक्षा ग्रह में ले जाते हैं, है ना, और वहाँ पे जाके फिर वो आग लगा देते हैं। तो वो लाक्षा, लाक्षा ग्रह क्या है बेटा? वो लाख का घर था। तो लैक इंसेक्ट, वी ऑब्टेन द लैक फ्रॉम दैट, और वो लैक हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंट्स बनाने में काम में लिए जाते हैं। नाउ वी कम ऑन टू द एग्जाम्पल इज द वैक्टर्स। वैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? वैक्टर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैरी, जो कैरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैक्टर। अब ये वैक्टर्स में कौन कौन आते हैं बेटा? वैक्टर्स में आते हैं एनोफिलीस फीमेल, ये सारे वेक्टर्स ये सब फीमेल रहेंगे बेटा, क्योंकि फीमेल मॉस्किटोज कैन ओनली सक द ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बींग। मेल मॉस्किटो नेवर सक ब्लड, क्योंकि उनके पास
सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते ही नहीं है, उनके पास केवल सकिंग होते हैं, तो वो पियर्स नहीं कर सकते। तो मेल इंसेक्ट जो होते हैं दे सक द सैप ऑफ द प्लांट्स, वो प्लांट्स का सैप सक करते हैं, और फीमेल मस्किटो सक ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग। तो फीमेल एनोफिलीज, यू नो दैट मलेरिया, प्लाज्मोडियम को कैरी करने का काम बेटा एनोफिलीज करती है। क्यूलेक्स मस्किटो जो है, ये एडीज मस्किटो, दीज आर द वेक्टर फॉर द वेरियस डिजीजेज लाइक द चिकनगुनिया, डेंगू और द मैनी अदर डिजीजेज। तो ये सब बेटा एक्ट किसकी तरह करते हैं, वेक्टर। वेक्टर मतलब दे ट्रांसमिट द पैथोजन फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर, इनको कुछ नहीं होता, दे जस्ट ट्रांसमिट, तो दैट्स वाई दे आर कंसिडर एज वैक्टर। नेक्स्ट इज द ग्रेगेरियस पेस्ट। इससे पहले तक जब भी मैं बेटा ग्रेगेरियस पेस्ट लोगों बच्चों को बताती थी, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या ये इतने ज़्यादा अमाउंट में हो सकते हैं। बट नाउ दिस ईयर द लोकस्ट अटैक इज देयर, एवरीबडी माइट हर्ड इन न्यूज़पेपर ऑल्सो एज वेल एज दे वॉच इन द टी वी ऑल्सो, सुना होगा आप लोगों ने, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, टी वी पर देखा होगा कि लोकस्ट अटैक है। लोकस्ट अटैक जिसको हिंदी में कहते हैं टिड्डी दल, और कई तो वीडियो भी वायरल है बेटा इसकी उस पर व्हाट्सएप पर कि कितने ज़्यादा ये लोकस्ट होते हैं, जब उड़ते हैं बेटा तो नीचे एकदम छाया हो जाती है, और जहाँ पे भी ये सेटल होते हैं उस वेजिटेशन को वो दे कम्प्लीटली फीड ऑन देम, उसको पूरा चट कर जाते हैं। तो दे आर द ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं विदाउट एनी सोशल कनेक्शन, दैट इज़ द एग्जाम्पल इज द लोकस्ट। लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस और द किंग क्रैब इज द एग्जाम्पल ऑफ द लिविंग फॉसिल्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिविंग फॉसिल इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिट हैव ऑल द फीचर्स विच वर प्रेजेंट इन द एंशियंट ऑर्थोपोडा एंड स्टिल दे आर सर्वाइव। तो दीज आर द यूनिक फीचर ऑफ द ऑर्थोपोडा मेंबर। वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम है बेटा, इस फाइलम में से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द फाइलम मोलस्क। मोलस्क जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर हैविंग वेरी सॉफ्ट बॉडी। पहले जनरल फीचर ले लेते हैं, मोस्टली एक्वाटिक है, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन। वेल सम ऑफ द मोलस्क आर टेरिस्ट्रियल इन नेचर। आप लोगों ने स्नेल नाम सुना होगा बेटा, स्लोएस्ट एनिमल जिसको कहते हैं, तो स्नेल टेरिस्ट्रियल है जो फाइलम मोलस्का को बिलोंग करता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ये तो इनके हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट यूनिक फीचर। यूनिक फीचर में क्या आता है, सबसे पहले दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सो इनकी बॉडी इज मोस्टली कवर्ड बाय द कैल्केरियस शेल। कईयों के ऊपर कैल्केरियस शेल कवर्ड रहता है। आपने बेटा शंख देखा होगा, है ना, आपने सीपी देखी होगी, वो सब क्या है, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, यानी अनसेगमेंटेड है, लेकिन हेड, मस्कुलर फिट, फुट और विसरल हम्प, ये तीन चीज आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस इज़ द हेड रीजन, दिस इज़ फुट रीजन एंड दिस इज़ द विसरल हम्प, बट इट इज़ अनसेगमेंटेड बॉडी। नेक्स्ट वी कम ऑन टू दैट, क्योंकि अनसेगमेंटेड बॉडी है बेटा, तो इनके क्या होता है कि एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है ओवर द विसरल हम्प। अब अगर मैं ये हम्प बनाती हूँ, ये हम्प है बेटा, तो इस हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्किन प्रेजेंट होगी, ये तो हो गया बेटा हम्प, विसरल हम्प, और ये हो गए सॉफ्ट स्किन। और स्पेस जो प्रेजेंट है बिटवीन दिस एंड दिस, जो ये स्पेस प्रेजेंट है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज
मेंटल कैविटी, क्या कहलाती है बेटा? मेंटल कैविटी, ये पूरी कंप्लीट। अब इस मेंटल कैविटी में फेदर्स लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से हल्के हल्के जैसे फेदर्स की तरह गिल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज गिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। तो वेयर द गिल्स आर प्रेजेंट, गिल्स आर प्रेजेंट इन द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द विसरल हम्प एंड द सॉफ्ट स्किन, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी, एंड इन दैट मेंटल कैविटी द फेदर लाइक स्ट्रक्चर और गिल्स आर प्रेजेंट विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज फॉर एक्सक्रीशन। नेक्स्ट आता है बेटा जो हेड रीजन होते हैं उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई एनी चेंज इन द सराउंडिंग। द अनादर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसमें दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा, एक तो ये मेंटल कैविटी में गिल्स का प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है और एक ये रेडुला। इनके माउथ में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अब ये फाइल क्या है? फाइल वो पेजेस के फाइल नहीं बेटा, आप लोग नेल कटर को यूज़ करते हो तो नेल कटर से जब कट करते हैं नेल्स उसके बाद में उसके एक पोर्शन पर इस तरह से स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लाइक दिस। तो दिस इज एक्चुअली, फिर हम इससे नाखून को ऐसे से घिसते हैं जिससे कि वो नाखून यहाँ से कोई भी शार्प एज नहीं रह जाए, ब्लंट हो जाए, उसे कहा जाता है फाइल। तो दे ऑल्सो हैव दैट स्ट्रक्चर। तो आप अगर नेल कटर का वो वाला पोर्शन जिसको आप इस तरह से मोड़ते हो वो वाले पोर्शन से अगर घिसोगे तो आपकी इधर भी घिसोगे तो दिस स्किन विल गेट इरोड, हट जाएगी स्किन धीरे धीरे कई देर तक करोगे तो वो उसी तरह का रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है और उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसे कहा जाता है रेडुला। तो दे हैव अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड एज रेडुला जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं, दे कैन हैव द फूड बाय दिस मेथड। नेक्स्ट वी कम ऑन टू दैट, दे आर मोस्टली डायशियस, मीन्स मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, ओविपेरस एग लेइंग विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मीन्स द लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। नाउ सर्टेन एग्जाम्पल्स आर गिवन, दिस इज द बोटेनिकल जूलॉजिकल नेम एंड दीज आर द कॉमन नेम। पाइला, दैट इज द एप्पल स्नेल। पिनेक्टाडा, पिंक टैडा, पिंक टैडा मीन्स पर्ल ऑयस्टर। सीपिया, कटल फिश। लॉलीगो, सी स्क्विड, स्क्विड। ऑक्टोपस, जिसको आपको सबको पता है बेटा, ऑक्टोपस सबको पता है, डेविल फिश। एप्लाइसिया, इसको सी हेयर कहते हैं क्योंकि इसके अगर स्ट्रक्चर देखो तो दो कान जैसे दिखाई देते हैं, दोज कान आर अपीयर लाइक, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है तो वो हमें हेयर के जैसा लगता है इसलिए दैट इज कॉल्ड ए सी हेयर। डेंटेलियम, टस्क शेल, ये एनिमल को अगर देखो तो आपको बिल्कुल ये हाथी के दांत जैसा दिखाई देगा, इस तरह से ये शेल के अंदर रहता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डेंटेलियम। एंड कीटोप्यूरा, दैट इज कॉल्ड एज काइटिन। तो दीज आर द सर्टेन एनिमल्स विच बिलोंग टू द क्लास मोलस्का विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट, नॉट क्लास सॉरी फाइलम, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बेटा? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज द मोलस्का। तो टूडे वी डिड टू फाइलम, बोथ आर यूनिक, वन इज द फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट, वन इज ऑर्थोपोडा एंड सेकेंड इज द मोलस्का। थैंक यू।